कोई एबसेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो फीस कलेक्शन ऑटोमैटिक मार्केटिंग कैसे करेंगे टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना टीचमेंट अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर चाहे जैसी भी जरूरत हो टीचमेंट पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप हेलो दोस्तों तो नीट एग्जामिनेशन इस बार देने वाले के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है आपके एग्जामिनेशन कब से होना है और एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल करना है वो सारा बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ठीक है ना दोस्तों आपको पता है कि कोविड नाइन्टीन के कारण जो कुछ भी है चीज़ें वो डिले हो रही है और भी पी के एग्जामिनेशन के डेट भी जो दोस्तों आगे बढ़ा दी गई थी नीट पी के एग्जामिनेशन की डेट और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन जो होने हैं उसके डेट को एक्सटेंड करके आगे बढ़ा दिया गया है ऐसे में बताई जा रही है कि नीट एग्जामिनेशन जो है वो भी पोस्टपोन करके इसका जो एग्जामिनेशन है वो सितंबर लास्ट तक किया जा सकता है क्योंकि अगस्त में एग्जामिनेशन होना नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म तक नहीं आया है तो कब तक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा कब तक क्या कुछ सारे प्रक्रियाएँ होंगी सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते रहें और अगर चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले बेलाइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखी गई कि द दई मेन इज जई मेन और जो नीट एग्जामिनेशन है दोनों का जो है वो जो फैसला है वो एक साथ आना है ठीक है ना देखिए जई मेन इज बिंग कंडक्टेड फॉर टाइम्स ईयर यानी कि जई मेन्स जो है वो एक साल में चार बार कंडक्ट किए जाते हैं दिस सेशन ऑनवर्ड्स टू ऑफर फ्लेक्सीबिलिटी टू स्टूडेंट्स एंड अ चांस टू इम्प्रूव देयर स्कोर तो इस बार जो बता रही कि इस बार जो कुछ भी हो रही है कोविड नाइन्टीन के कारण उसमें स्टूडेंट जो अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे क्योंकि इस बार थोड़ी सी डिले हो रही है और एक दो महीने जो डिले हो रही है उसमें आप अच्छा से और वेल प्रिपेयर कर सकते हैं हो सकते हैं है ना यहाँ पे कि जई मेन मैं नीट के बारे में भी बात कर दूँगी यहाँ पे नीट के बारे में भी लिखा हुआ जय जई मेन अप्रैल एंड मई वेयर कैंसल्ड एमिट द कोविड नाइन्टीन आप देख सकते हैं यहाँ पर कोविड नाइन्टीन कारण वेल द एप्लीकेशन प्रोसेस इज क्लोज दर आर नाउ यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा इसको लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखेगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको वही बताता हूँ ये यह देखिए यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट द फाइनल कॉल ऑन द पोस्पोंड एग्जाम विल बी अनाउंस दिस दिन दिस वीक यानी कि इस सप्ताह यानी कि लगभग तीन से चार दिनों के अंदर जो आपके एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म जो आने हैं या फिर एग्जामिनेशन इस बार लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा कुछ दिनों के अंदर वो कुछ चीज़ें जो है वो इस सप्ताह जो है वो अनाउंस कर दी जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम खुल करके लिखा गया है ना ये, ये एक न्यूज़ चैनल का जो है वो क्लिपिंग है तो यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है ठीक है आगे देखिए क्या कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जयी मेन्स इज बिंग कंडक्टेड फोर टाइम्स ईयर फो ये भी फोर टाइम्स कंडक्ट कराए जाते हैं और इसका जो है वो दिस फर्स्ट फेज इज फरवरी एंड फॉलोड बाई द सेकेंड इन मार्च तो फर्स्ट फॉर भी सेकेंड मार्च आप देख सकते हैं यहाँ पे और ये देखिए इसके जो जई मींस का जो रिलीज जो है इसका सेशन का जो फिफ्टीन डेज बिफोर द एग्ज़ाम तो पंद्रह दिन पहले जो एग्जामिनेशन के जो इसके रिलीज किया जाए सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे यह है कि इसके लिए फैसला जो है जेई मेन्न से नीट दोनों के लिए फैसला जो है इस सप्ताह होना है कि आपके एग्जामिनेशन एक, एक अगस्त से करवाए जाएंगे या फिर नहीं करवाए जाएंगे नीट के एग्जामिनेशन हालांकि जिस तरीके से स्थितियाँ हैं अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म आया भी नहीं है तो ऐसे में एक अगस्त से एग्जामिनेशन नहीं होगा यह आप लोगों को भी अब पता चल रहा होगा ठीक है ना तो ये डेट को एक्सटेंड करके कम से कम सेप्टेम्बर लास्ट तक किया जा सकता है यह चांस दिख रहा है ठीक है ना तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करिएगा आपके डेट जो है वो हंड्रेड परसेंट ड किए जाएंगे। बस आप लोग तैयारी करते रहें और प्रिपेयर करते रहें ठीक है धन्यवाद आपका दिन सुबह